नमस्कार दोस्तों, मैं विवेकानंद सिंह आज पुनः आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ बायोलॉजी के कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। आशा है कि आप लोगों को हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा होगा। हमारे इस प्रयास में छोटे छोटे स्टैटिक जीके के वीडियोज आपके पास आते रहेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। सर्वदाता रक्त समूह किसे कहते हैं? तो ओ ग्रुप को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहते हैं? तो ए बी ग्रुप को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, आर एच फैक्टर संबंधित है किस चीज से? तो आर एच फैक्टर संबंधित है रक्त से। आर एच फैक्टर के जो खोजकर्ता थे वे कौन थे? तो लैंड स्टीनर एवं विनर आर एच फैक्टर के खोजकर्ता माने जाते हैं। रक्त को शुद्ध करता है वृक्क यानी कि किडनी रक्त को शुद्ध करता है। वृक्क या किडनी का भार कितना होता है? तो यह 150 ग्राम होता है वृक्क या किडनी का भार। रक्त एक विलयन है, क्षारीय है या अम्लीय है? तो रक्त एक क्षारीय विलयन है और रक्त का पीएच मान होता है 7.4। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूँ ये कभी न कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनका रिपीटिशन भी होता है। हृदय की धड़कन का नियंत्रक कौन है? तो हृदय की धड़कन का नियंत्रक पेसमेकर कहलाता है। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? तो शरीर से जो हृदय की ओर जो गंदा रक्त होता है या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है वह शिरा कहलाती है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली जो रक्त वाहिनी होती है उसे धमनी कहा जाता है। जरावक सेवन क्या है? जरावक सेवन एक कृत्रिम हृदय है जिसे कि वैज्ञानिकों ने बनाया है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त के द्वारा होता है और रक्त में भी हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है? तो स्टेपिज होती है जो कि मध्य कर्ण के बीच में होती है। यह कान में अवस्थित होती है। सबसे छोटी अस्थि या हड्डी स्टेपिज कहलाती है। सबसे बड़ी अस्थि फीमर जो कि जांग में होती है यह सबसे बड़ी अस्थि होती है हमारे शरीर की। सबसे लंबी पेशी यदि पेशी की बात किया जाए तो यह स्टोरियास है सबसे लंबी पेशी। और सबसे बड़ी ग्रंथि की बात की जाए तो यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता किस में होती है? तो सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता होती है यकृत में। और सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता किस में होती है? तो यह मस्तिष्क में होती है। पुनरुद्भवन से तात्पर्य है कि जो अपने अंग को पुनः विकसित कर ले। तो सबसे ज़्यादा पुनः विकसित करने की क्षमता जो है वह यकृत में है और सबसे कम है मस्तिष्क में। शरीर का सबसे कठोर भाग दांत का इनेमल होता है और यह दांत का जो इनेमल है यह चाय पीने से यह दांत का इनेमल खराब हो जाता है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि यह पेरोटिड ग्रंथि है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि है यह। और सबसे छोटी WBC वाइट ब्लड सेल्स जो है वह लिम्फोसाइट कहलाती है। सबसे छोटी WBC और सबसे बड़ी WBC है यह मोनोसाइट है। सबसे बड़ी शिरा यह एनफीरियर कहलाती है। सबसे बड़ी शिरा कौन है? एनफीरियर। RBC का जीवन काल की यदि हम बात करें तो RBC का जीवन काल 120 दिन का होता है और वहीं रुधिर का थक्का बनाने का जो समय है वह 2 से 5 दिन का होता है। तो रुधिर का जो थक्का बनाने का जो समय है वह 2 से 5 दिन। तो आज का जो हमारे यह बायोलॉजी से संबंधित जितने क्वेश्चन थे ये मैं आप लोगों के समक्ष लाया। यदि आप लोगों को हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को ग्रो करने में सहायता दीजिए। और हम लोग को यदि कोई सुझाव है शिकायत है तो वो भी आप लोग कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं, हम उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।